આવે ઉત્તર પ્રદેશના રાજકારણની તો યુપીમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને તમામ પક્ષો હરકતમાં આવી ગયા હોય તો સ્પષ્ટ નજરે પડે છે। આગામી યુપીની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે ઘડેલી નવી રણનીતિ અનુસાર તે રામનો સહારો લેશે। ભાજપના નવા રામ એટલે મહારાષ્ટ્રના દલિત નેતા રામદાસ આઠવલે। ભાજપ રામદાસ આઠવલેને દલિત ચહેરા તરીકે રજૂ કરી શકે છે, ત્યારે ભાજપના આ રામે માયાવતી પર હુમલો અને મોદીનો બચાવ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। गुजरात में दलितों ने मार मारवानी घटना ने मायावती ने भाजपा पूर्व नेता दयाशंकर द्वारा अपशब्दों कहवानी घटना सामे आया बाद भाजप चारे तरफ थी घेरायेली छे। आ संजोगों में महाराष्ट्र ना मोटा दलित नेता रामदास आठवले ने आगड़ करी भाजप तेमने दलित चेहरा तरीके रजू करी शके छे। यूपी में भाजप रामना सहारे भाजपा नवा रामदास आठवले रामदास भाजपनो दलित चेहरो बनी शके छे। आठवले प्रभावशाली दलित नेता छे अने तेओने हालमां ज कैबिनेट विस्तरणना भागरूपे राज्यमंत्री बनावामां आव्या छे। रामदास आठवलेए पण मायावती पर दलितोना मुद्दे हुमला करवानुं शुरू करी दीधुं छे। भाजप पर दलित विरोधी होवाना मायावतीए मुकेला आरोपनुं खंडन करी मोदीने सहयोग आपवानी अपील करी छे। मुझे लगता है कि भाई गो रक्षा के साथ साथ मानव की रक्षा भी करनी चाहिए और इसी तरह का संघर्ष किसी दो समाज में नहीं होना चाहिए, ना दलित और हिंदू में होना चाहिए, ना मुस्लिम और हिंदू में होना चाहिए। तो हम सब लोगों ने भारत देश को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। छोटे छोटे मुद्दों को बाजू में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की भूमिका रखी है, सबका साथ सबका विकास। इस मुद्दे को लेकर देश के सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और सरकार को सहयोग दे देना चाहिए, ना कि बीच बीच में इसी तरह की वारदात ना घटे। और इसीलिए मेरा निवेदन इतना ही है कि हम सब लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का समतावादी भारत खड़ा करेगी, अखंड भारत खड़ा करेगी, ना कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर हम संघर्ष करते रहेंगे। मायावती ने उत्तर प्रदेश ना एक मोटा दलित समुदाय नु समर्थन छे, मारे जेम ते पण मनुवादी नो विरोध करे छे। तेमणे ए न भूलवू जोईए के मायावती उत्तर प्रदेश मा त्रण वार भाजपना सहयोग थी ज मुख्यमंत्री बनी छे। दस वर्ष पहला पोताना विश्वासु सहयोगी सतीश चंद्र मिश्रा नी साथे मळीने तेमणे मोटी संख्या मा ब्राह्मणों ने टिकीटो आपी हती। रामदास ना मायावती पर प्रहार, माया ने रामदासे फेंक्यो पड़कार, राजकीय जमीन पाची मेळवा ऐलान। यूपी अमारी पार्टी आरपीआई नी भूमि रही छे, अमारी धरती पर मायावतीए कब्जो करी लीधो छे। हूँ तेमनी पासेथी अमारी जमीन पाची मेळवीने जंपीश, जो हूँ तेओने हाँकी काढवामां सफळ न रहूं तो पण हूँ मारा हिस्सानी केटलीक जमीन तो पाची मेळवी ज लईश। मायावती उनका काम कर रहे, मेरा भी काम मैं कर रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा। मतलब उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी का पहले अगट रहा है और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी, बीजेपी के साथ अलायंस करके रिपब्लिकन पार्टी वो अपना खाता खोल देगी। सामाजिक कल्याण मंत्रालय ना राज्य मंत्री नु पद हालमां ज संभाळ्या बाद रामदास आठवले कह्युं हतुं के तेओ आंबेडकर ना सपना पूरा करशे। बाबा साहब आंबेडकर जी का कहना ये था कि अगर आप लोग मनुवाद का विरोध करते हैं तो फिर जो लोग मनुवाद का विरोध करते हैं तो दलित समाज के लोग, दलित समाज के नेता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान भी किया लेकिन शायद होटों के चक्कर में मायावती बुद्धिज्म को नहीं स्वीकार रही है। लेकिन मैं बुद्धिस्ट हूँ और मेरे पार्टी में सभी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण है, मराठा है, पटेल है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सभी लोग मेरी पार्टी में बुद्धिस्ट है। तो मुझे लगता है कि भाई बौद्ध होने से मतलब वोट नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई अगर मायावती से ही अम्बेडकर राइट है तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए और राजनीति जो है राजनीति तो चलती रहती है। रामदास नो माया पर बुद्धास्त्र थी प्रहार, बौद्ध धर्म अंगीकार मामले माया ने घेरिया, बौद्ध धर्म अंगीकार न करवा मामले प्रहार। તેમણે માયાવતી પર હુમલો કરતા કહ્યું કે માયાવતી આંબેડકરને આદર્શ માને છે પણ તે આજે પણ હિન્દુ ધર્મને માને છે અને હજુ સુધી બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવ્યો નથી।
ते घणी वार धर्म परिवर्तन नी जाहेरात करी चुकी छे, पण आज दिन सुधी हिंदू ज बनी रही छे। रामदास आठवले बौद्ध धर्म ना अनुयायी छे। आठवले ए बाबा साहेब आंबेडकर ना सपना ने पूरा करवानी पण वात करी छे। रामदास कोशिश करी रह्या छे के संसद परिसर मा बुद्ध नी मूर्ति मुकवामां आवे। भूतकाळ मा भगवान राम ना सहारे सत्ता पर आवेल भाजप वर्तमान मा राम मंदिर नो मुद्दो जाणे विसरी चुकी छे। जो के यूपी मा भाजपे हजु सुधी पोतानो चेहरो कोण हशे ते जाहेर नथी कर्यु, त्यारे अटकळो चाली रही छे के रामदास आठवले ने कदाच दलित चेहरा तरीके रजू कराय। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। तो वीटीवी विशेष में हाल समय छे ब्रेक लेवानो, ब्रेक बाद फरी मळी।